नमस्कार, आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर समाचार मेरे साथ, मैं राम गोपाल धनगर। आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जयंती बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाई गई। बिजनौर में बाबा लंगोटिया मंदिर में ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ के तत्वधान में 297वीं लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। हलवे का वितरण किया गया व जल और पानी पिलाने की भी व्यवस्था की गई। देखिए हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट। कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्य भी ग्रहण की है। समाज का ऑपरेशन, अगर कोई समाज एक जगह मीटिंग करता है तो आप लगा सकते हैं कि आपके डिवाइस में समाज की संख्या कितनी भारी होगी। आज बड़े खुशी की बात है कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के वंशज देश में नहीं विदेश में भी माता लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जयंती धूमधाम से मना रहा है। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में एक चीज की चर्चा है कि इस समाज में बहुत बड़ी जागृति आई है। अगर ये समाज संगठित होगा, हम समाज को दोष नहीं दे सकते, हमारा समाज संगठित हो रहा है, कहीं त्रुटि हो सकती है। जहां हम अपना संदेश समाज के अंदर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वहां समाज अगर भिन्न भिन्न गुटों में बंट गया है। अगर हम प्रशासनिक स्तर पर देखें, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, कई बच्चे बिजनौर के यूपीएससी की परीक्षा में पास हुए हैं। बिजनौर की एक बच्ची ने टॉप किया है, कोई रैंकिंग में आया है। हमारी उन बच्चों को, उनके परिवार को बहुत बहुत इस मन से शुभकामनाएं, लेकिन हम अपने समाज से आओ। अच्छा, इसमें आप क्या और संदेश समाज को अपने देना चाहते हैं? मैं चाहूंगा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से, जिस तरह से आज माता अहिल्याबाई होलकर जी का जन्मदिन मना रहे हैं, उसी प्रकार से देश और प्रदेश के प्रत्येक जनपद में माता अहिल्याबाई होलकर के मूर्ति की स्थापना हो और हर जनपद में माता जी का एक अपना स्थल हो, ताकि पूरा अपना धनगर समाज, जो अपने पाल समाज के नाम से जाना जाता है, उनके जन्म दिवस को आने वाले भविष्य में और अधिक हर्ष उल्लास के साथ मनाए कि 31 मई माता जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की कष्ट करे। इसी के साथ धनगर समाज जीता। माया जी, आप भारतीय जनता पार्टी की जिला महामंत्री है और आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर यहाँ उपस्थित है, इसमें क्या आप अपनी पार्टी की तरफ से समाज को संदेश देना चाहती हैं? मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगी, अहिल्याबाई होलकर जी ने 30 वर्षों राज किया है और हमारा समाज छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, हिंदू समाज है। और सभी सनातन धर्म से मैं ये कहना चाहूँगी, माता बहनें आगे निकल कर आएँ। जैसे अहिल्याबाई जी ने 30 साल राज किया है, कोई मातृशक्ति हमारी बढ़े आगे और आए। मैं मोदी जी से यही कहूंगी, प्रधानमंत्री जी से अहिल्याबाई होलकर बाई जी की हमें मूर्ति रखवाने की हर जिले में आज्ञा। समाज जिला महासचिव MP सिंह धनगर, CM योगी और PM मोदी जी से ये मांग करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि माता अहिल्याबाई होलकर के नाम से हर एक जिले में जो मूर्ति लगवाई जाए और उनके जन्मदिन पर अवकाश घोषित किया जाए।